नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सफरनामा द एक्सप्लोरर में। चलिए आज ले चलता हूँ बड़ोड़ा के एक यूनिट इवेंट में, शिव जी की सवारी जो कि हर महाशिवरात्रि के पर्व पे प्रताप नगर है वहाँ से निकलती है और सुरसागर जो लेक है ना वहाँ पे ख़त्म होती है। पिछले साल भी हमने विजिट किया था, बहुत ही एनर्जेटिक एटमोसफियर रहता है, पर अलग अलग टाइप के डीजे वगैरह और भीड़ थोड़ा रहता है, पर एक अलग एक्सपीरियंस है, जैसे बारात निकल रही हो ना वैसा ही माहौल रहता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सफर शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बड़े व्हीकल के लिए है ना रोड क्रॉस कर देते हैं और जो भी टू व्हील है ना उसको अलाउ करते हैं, तो आप फोर व्हील वगैरह नहीं ले जा सकते। टू व्हील भी ऐसे पार्क करिए कि आपको रिटर्न में फिर रास्ते में इजीली मिल जाए, और हो सकता है तो बीच में कहीं ऐसे पार्क करके आप चल के जाइए। और जो माहौल और ये देखिए आप भीड़ देख सकते हो और जगह जगह पर डीजे लगे है, और जो डीजे है ना वो जैसे अपने घर की शादी में भी होते ना उससे भी अच्छे वाले, और जो एनर्जी है ना ये माहौल में वो आप फील कर सकते हो यहाँ पे। देखिए ये एक प्रोफेशनल बैंड है, गंधर्व बैंड, जो हर साल यहाँ परफॉर्म करता है, इसको नासिक बैंड भी बोलते हैं, और इनका जो परफॉर्मेंस है ना एकदम काबिले तारीफ है। आप देखिए जस्ट अब ऐसे आगे है ना व्हीकल के लिए पूरा प्रोहिबिटेड जोन है, आप टू व्हील भी नहीं ले जा सकते। आप देखिए यहाँ चल के आप सामने जाना हो सवारी की तो जा सकते हैं। ये देखिए हम भी थोड़ा जा रहे हैं, और ये अच्छा एक और से क्योंकि फिर बहुत ही ट्रैफिक हो जाता, और जो यहाँ रहते हैं लोग वो भी दर्शन के लिए और प्रसाद के लिए देखिए जमा हो गए, और ये 5-6 गाड़ियाँ पुलिस की इसको एस्कॉर्ट करती है, और ये जनरेटर है, और उसके पीछे देखिए ये जो डीजे है ना ये अपने आप में एक स्क्रीन भी लगी है, और वॉइस क्वालिटी को आप यहाँ रहोगे ना तो गजब की वॉइस क्वालिटी है भाई। अब देखिए आ रहे हैं दादा धीरे धीरे, और देखिए फाइनली देवाधिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे। अब भीड़ देखिए, और भीड़ है पर लोग है ना अपने अपने हिसाब से माहौल का लुत्फ उठा रहे, और ऐसा कोई धक्का मुक्की ऐसा कोई नहीं करता है, और देखिए आप जस्ट दर्शन करिए।
ये देखिए गुलाब की बरसा हो रही है महादेव के ऊपर, बहुत ही यूनिक तैयारी करके रखते हैं लोग। देखिए इतने फूल बरसे हैं, आगे जाके बलून्स भी थे और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पटाखे भी रखे हैं, तो देखते हैं आगे भी वो देखने को मिलेंगे हमें। असली मजा है ना साइड में रह के, नहीं भीड़ का हिस्सा बन के थोड़ा जूम में रहे तो थोड़ा जूमते हैं। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के पटाखे सेट कर रखे हैं इन्होंने और आगे बलून्स भी लगा रखे हैं, देखो आप दोस्त। चलिए अभी हम चलते हैं सूर सागर लेक, ये जो भी सवारी है ना वो थोड़ा घूम के आएगी, हम थोड़ा शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा और यूनिक डेकोरेशन करते हैं। यहाँ पहुँच के सवारी पे है ना मेन जो महाआरती बोलते हैं ना वो यहाँ पे होती है और धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। अभी आप ये व्यू देखिए, नॉर्मल में सूर सागर लेक आपको अलग दिखेगा और महाशिवरात्रि के दिन ये कुछ अलग ही दिखता है, देखिए जस्ट।
अभी देखिए ये सूर सागर लेक पे भी भीड़ आप देख रखे हैं, धीरे 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 भीड़ बढ़ती जा रही है भाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नई जगह और नए इवेंट के नए वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार, आओ जो टाटा, सी यू, बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव।